प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर, यूनिट बाय यूनिट हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। जरा ध्यान दें, सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, श्रेणी 4.9.14.19 .. का कौन सा पद, जरा ध्यान दें, यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कौन सा पद 104 है ज्ञात करो। जरा ध्यान दें, जो भी आपको श्रेणी या सीरीज दे रखी है, समांतर श्रेणी है ये, तो उसमें आपको पद दे रखा है, लास्ट वाला पद, या कह सकते हैं टी एन दे रखा है 104 आपको, तो वो कह रहे हैं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एन का मान ज्ञात कराने के लिए कह रहे हैं। देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में, पहला वाला पद आपका क्या कहलाता है, ए बराबर 4, दोनों का डिफरेंस या अंतर या कह सकते हैं सार्वंतर क्या कहलाता है आपका, 5, क्योंकि 9 में से आप 4 निकालेंगे 5 मिलेगा। टी एन, जरा ध्यान दें, यहाँ पर टी एन आपको क्या दे रखा है 104। आपसे कह रहे हैं कौन सा पद, मतलब एन निकाल के लाना है। देखिए अपना सूत्र या फार्मूला, टी एन बराबर क्या फार्मूला है आपका, ए प्लस एन माइनस वन जो आपका ब्रेकेट में गुणा में आपका डी है। टी एन आपको दे रखा है 104 बराबर, ए का मान आपको 4 दे रखा है जो हमने आपको ऊपर निकाल के बताया है, प्लस एन का मान आपका क्या दे रखा है, एन हमें निकाल के लाना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे एन माइनस वन को, और डी का मान क्या दे रखा है आपका 5। अब जरा आप ध्यान दें, 104 को ऐसे रखेंगे 4, 104 को ऐसे रखेंगे बराबर 4 प्लस एन माइनस वन की जब आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5n-5। अब जरा आप ध्यान दें, ये वाले 4 उधर ले जाएंगे तो घट जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको 100, 5n-5। ये वाला स्टेप हमने ऐसे लिख दिया है, आगे देखिए 5n यहीं रहें, इसको जब उधर ले जाएंगे तो 105 हो जाएगा, या कह सकते हैं ये वाली संख्या उधर जाएगी तो प्लस की जाएगी, तो 105 हो जाएगा, तो क्या मिला आपको 5n बराबर 105। एन बराबर जब आप निकालेंगे 105/5, इसको काट पीट करेंगे या कह सकते हैं कट करेंगे, तो एन बराबर आपको क्या मिल जाएगा 21, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5। अब जरा आप ध्यान दें जो आपकी जांच विधि है, ये वाला जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इसमें आप ए एन जो हम निकाल के लाए एन का मान, और डी, अगर इन तीनों के मान लगा दें तो आपको 104 आपको मिलना चाहिए। अगर आपको 104 मिल रहा है तब आप समझ लेना कि हमारा जो भी आंसर आया है वो सही है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।